जय सियाराम दोस्तों, मैं मंजू विश्व प्रकृति प्रेमी अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सबको, हम सबको इतनी भक्ति दे कि हमारा ये जो जीवन माने हमको दिया है, ये जीवन हमारा सफल हो जाए। और आज मैं अपने छत में आई हूँ आम के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि नवरात्र हो चुके हैं शुरू, तो मैं अभी आम के पत्ते तोड़ने के लिए आई हूँ। तो मैंने बहुत सारे आम के पेड़ लगाए हुए हैं, अभी मैंने ये छोटे गमलों में लगा रखे, बाद में मैं इनको जमीन में लगाऊंगी ताकि ये सबके काम आए, क्योंकि आम के पत्ते हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे घर में हमको पूजा पाठ में चाहिए होता है, और किसी का मकान बन गया उसमें हमको जरूरत पड़ती है, किसी के बच्चा हो गए नामकरण में जरूरत पड़ती है, पूजा पाठ में खास तौर पर सत्यनारायण जी की कथा में हमको जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये आम के पत्ते शुभ काम में काम आते हैं, और मैंने इसलिए अपने घर पे लगाए हुए हैं, और कहीं से हमको बाहर से खरीद के नहीं लाने होते हैं, और इसलिए मैंने ये लगाए हुए हैं। अभी सब जमीन में लगेंगे जब ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे। अभी मैं तोड़ती हूँ इनको, देखें मुझे खरीद के नहीं लाने पड़ेंगे बाहर से। सात पत्ते तोड़ो, सात पांच। वैसे कहते हैं कि आम का पत्ता तो एक भी हो जाए तो काफी है, लेकिन प्रभु की कृपा इतनी बड़ी है कि मेरे छत में काफी आम के पत्ते हो रखे हैं, और काफी हमने आम के पेड़ भी इस बार काफी हो रखे हैं। कितने हो गए, सात चार, एक और तोड़ूंगी, पांच हो गए। और हर श्रृंगार के फूल भी गिर रखे हैं आज छत में, देखे कैसे गिरे हुए हर श्रृंगार, ये देखे। तो फ्रेंड, ये हर श्रृंगार के फूल, और आज हर श्रृंगार के फूल भी खिले हुए थे मेरे छत में। ये हर श्रृंगार का पेड़, और मैं बहुत सारे मेरे छत में फूल होते हैं, ये भी फूल तोड़ूंगी मैं। इसको बोलते हैं गोरी चोरी, येलो कलर का, ये देखे। और मैं बाहर से खरीद के फूल नहीं लाई हूँ, और ये देखे घर में मेरे, क्योंकि मेरे छत में काफी फूल हुए रहते हैं, मेरे छत में काफी फूल हो रखे थे, इसलिए मैं बाहर से फूल नहीं खरीद के लाती हूँ। और ये देखे, और एक व्हाइट फूल इधर भी हो रखा है, इसको भी तोड़ूंगी। ये है व्हाइट फूल, इसको भी तोड़ूंगी। एक फूल फूल ये भी है, इसको भी तोड़ूंगी। ये है बेलपत्री का, देखें ये। और अब मैं तोड़ूंगी कनेर का फूल, इसीलिए मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरे छत में काफी फूल हो रखे हैं। मधुकामनिका फूल, और ये साल में दो तीन बार खिल जाते हैं, बहुत अच्छे फूल होते हैं, बहुत ये आजकल नवरात्रों में दोबारा से खिल चुके हैं ये। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय सियाराम।